एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ शिल्पी और मैं बनाती हूँ मेकअप, फैशन एंड लाइफस्टाइल पे वीडियोस। आज है व्लॉग का दिन और मैं बना रही हूँ आज एक व्लॉग। मैंने सोचा आज व्लॉग बनाती हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो व्लॉग है वो किचन से ही स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अभी मैं पूरी तैयार हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ मेकअप वगैरह नहीं किया है, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और बाल मेरे बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं। कल मैं वॉश करूँगी तो आज मैंने ऑयल डाल लिया, जस्ट मैंने बांध लिए क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था। तो आज जो है अब हो चुके हैं, शाम के 4 बज चुके हैं, आरव आ चुका है और मैंने उसे दे दिया है मिल्क पहले, जैसे कि मैं अब मिल्क दे के वो थोड़ा सा टीवी देख रहा है, चिल कर रहा है अपना। और मैं सोच रही हूँ अब मैं थोड़ी सी कुकिंग की प्रिपरेशन कर लूँ एंड फ्री ना हूँ। और कुकिंग में बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने काफ़ी कुछ ग्रीन वेजीज लाई थी, मैं लाई थी फ्रेंच बीन। तो मैंने सोचा कि फ्रेंच बीन बना दूँ क्योंकि अभी वीकेंड गया है और मैंने जो है दो या तीन टाइम जो है बाहर का हो गया, एंड आई एम जस्ट बस मेरा 2 या 3 टाइम का हो जाता है तो मेरा तो सिर जो है ना वो एकदम भारी हो रहा है। वेट तो छोड़ो, सिर भी भारी हो रहा है। क्या मुझे लाइट इवन खाना छोड़ भी दूं तो भी अच्छा, बट वो नहीं हो रहा। तो मुझे बहुत ज्यादा लाइट खाना खाना है। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं फ्रेंच बीन्स बनाऊं, थोड़े से मैं पोटैटो उसमें ऐड कर दूंगी जिससे कि वो मेरे हस्बैंड को भी अच्छे लगेंगे। वो प्लेन एकदम ग्रीन वेजीज नहीं खाएंगे, तो मैं सोचा कि वो बना देती हूँ। और अगर आप फ्रेंच बीन्स जो सब्जी में बना रही हूँ अगर आप वो उस तरीके से बनाते हैं और वो बच जाती है तो उसके स्टफ पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। किसी भी आप करी के साथ उन्हें दें, सर्व करें और बहुत अच्छे लगते हैं। मटर का झोल बना दो, आलू का झोल बना दो, या दाल या कड़ी भी अगर आप लोग स्टफ पराठे के साथ करते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो मैं बस आज वही बनाऊंगी और उसके बाद मुझे जो है मेरी कबर्ड क्लीन करनी है। तो पहले मैं खाना बना लूं, खा लूं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और कबर्ड क्लीन करते हैं क्योंकि विंटर जा चुके हैं। यहाँ पे अभी भी थोड़ा थोड़ा ठंडा चल रहा है, कुवैत में थोड़ा सा और ज्यादा चलता है। जैसे इंडिया में तो अभी एसी कूलर शुरू हो गए लेकिन यहाँ पे अभी एसी नहीं चल रहा और बारिश पड़ रही है बार बार और ठंडा हो जाता है। लेकिन मैं सोचा अब मैं कर ही देती हूँ, मतलब पैक कब तक मैं मतलब वेट करूँ। थोड़े से मैं ऑलरेडी पैक कर चुकी थी, मुझे अपनी क्लीन करनी है कबर्ड। जो कबर्ड क्लोजेट आपने पहले देखी थी वो अलग है और ये वाली जो है वो अलग है। तो क्लोजेट टूर अगर आपको करना है मेरा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगी, आई बटन पे भी देख सकते हैं आप, और आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने क्लोजेट ऑर्गेनाइज की थी। तो चलिए पहले कुकिंग कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बेडरूम में क्लोजेट क्लीन करने। तो गाइज ये मैंने अभी कट कर ली है फ्रेंच बीन्स, इसमें थोड़ी सी मैंने प्याज भी ऐड कर दी बाद में क्योंकि वो भी अच्छी लगती है, और एक मैंने छोटा पोटैटो लिया है। अब मैं ले रही हूँ ऑयल, इसमें आप जितना ऑयल लेना चाहें ले सकते हैं, इसको कम ऑयल में भी बना सकते हैं बट थोड़ा सा ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसमें मैंने क्यूमिन सीड्स डाल दिए, अब मैं इसमें सब्जी डाल दूँगी। बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं डालूँगी थोड़ा सॉल्ट, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके, टर्मेरिक पाउडर, अब रेड चिली पाउडर, और मैं डालूँगी कोरिएंडर पाउडर। इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी और इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए रख दूँगी। इसको हम लिड लगा देंगे इसके ऊपर और बहुत जल्दी बन जाती है सब्जी, फ्रेंच बीन्स जो है बहुत जल्दी बन जाएंगे। बस थोड़ा सा पोटैटो में टाइम लगेगा, अदरवाइज बहुत जल्दी बन जाती है, अराउंड 7 to 8 मिनट्स में ये सब्जी तैयार हो जाती है। उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दें इसके ऊपर और थोड़ा सा गरम मसाला अगर आपको चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी चाहिए, अदरवाइज़ ना भी डालें तो भी अच्छी लगती है ये। बहुत ही क्विक सब्जी है, अगर बच जाती है तो पराठे भी स्टफ कर सकते हैं और बहुत ही हेल्दी सब्जी है और 5 मिनट्स वाली सब्जियाँ हैं ये। तो अब मैं हो गई हूँ फिनिश काम से, चलते हैं बेडरूम में और क्लोजेट देखते हैं और क्लीन करते हैं। लाइट बंद कर देती हूँ मैं निकलते समय और ये गेट भी बंद, और ये मैं आ गई हूँ बेडरूम में। जैकेट फ्रॉम गैप फॉर आरव, तो मैं दिखा देती हूँ आपको अभी इसी ब्लॉग में।
और ये थोड़ी सी बड़ी है, ऑब्वियसली विंटर तो जा चुके हैं बट विंटर की शॉपिंग जो है वो थोड़ी बहुत मैंने अभी कर ली है नेक्स्ट विंटर की, क्योंकि सेल रहती है और सेल में आप अच्छे ब्रांड्स पे ले सकते हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा यू नो शॉपिंग जो है वो बजट फ्रेंडली करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि विंटर के कपड़े आप विंटर जाते टाइम करें और समर के जो है वो समर के जाते टाइम करें, मतलब विंटर विंटर के जाते टाइम अभी आपको समर्स का काफ़ी मिल जाएगा। जैसे विंटर आ रहे थे ना जब, तब मैंने समर की शॉपिंग कर ली थी, तो जितने भी शॉर्ट्स वगैरह ये सारे हैं वो मेरे पास ऑलरेडी हैं। अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा, वीडियो देखा होगा जहाँ मैंने H&M से शॉपिंग की थी, नहीं देखा तो मैं लिंक जो है वो डाल दूंगी स्क्रीन पे, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स लिए थे जो अभी मैं बता रही हूँ आपको 1000, 1500 और 2000 रुपीज तक के हैं। वो मैंने 1KD यानी 200 रुपये में लिए थे H&M के। तो थोड़ा सा यू नो स्मार्ट बने शॉपिंग में। कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ लेकिन मेरे पैसे उन लोगों से मे भी कम खर्च होते हों। मैंने 3 या 4 शॉर्ट ली थी, समझ लीजिए आप मैंने 5 या 6 हज़ार रुपये के शॉर्ट्स लिए थे जो मैंने आई थिंक 800 रुपये या मैक्सिमम 1000 रुपीज़ में मैंने सारी शॉपिंग कर ली थी, यानी 6-7 हज़ार की शॉपिंग जो है मैंने 1000 रुपीज़ में कर ली थी। तो इसी तरह से मैंने ये गैप की जो है जैकेट ली है अपने बेटे के लिए, इस तरह की ये जैकेट ब्लू एंड येलो, ये जो है ब्लू यहाँ पर है तो ये बच्चा छोटा होता है तो वो गंदा नहीं होगा ये, और जो स्लीव्स हैं वो ऑब्वियसली वो यहाँ से तो गंदी होंगी लेकिन थोड़ा सा यू नो अरब इज लाइक ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन, तो ये डार्क एंड लाइट कॉम्प्लेक्शन लाइट कलर्स जो हैं वो बहुत सही लगेंगे। और ये थोड़ी सी बड़ी है, इसका साइज मैं आपको बताती हूँ, ही इज गोइंग टू बी 7, तो ये है मीडियम साइज, ये 8 ईयर्स के लिए, 8 to 9 ईयर्स के लिए, तो ऑब्वियसली विंटर आएंगे तब तक वो 7+ हो जाएगा, सो दैट वुड बी गुड। मैं आपको इसका प्राइस भी बता देती हूँ इसी में कि मुझे कितना डिस्काउंट मिला और कितने का था। ओ माय गॉड, इट वाज जस्ट हाफ ऑफ द प्राइस। ये है 4400 का, 4400 का मतलब 20 KD समझ लो आप, 4400 या 4300, और ये मुझे मिला है जस्ट हाफ ऑफ द प्राइस, मतलब 2100 या 2200 का आप समझ लो। दिनार जो है वो थोड़ा अप डाउन रहता है तो मुझे कैलकुलेशन में एकदम अप्रॉक्स में बता सकती हूँ, इतनी कैलकुलेट मतलब अप्रॉक्स बता सकती हूँ, इतना मैं फिक्स प्राइस नहीं बता सकती आपको। तो 2100 या 2200 का मुझे मिला है जो डबल द प्राइस था, सो दैट इज रियली गुड डील एंड आई एम टेलिंग यू गैप का है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, आप देख सकते हैं ओरिजिनल गैप, सो आई रियली लाइक इट। और स्पेशली अगर बिग ब्रांड्स में सेल लगती है तो मैं तो मतलब सेल ही प्रेफर करती हूँ, मतलब अगर आइटम मुझे अच्छे मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सेल थी फिर भी मैंने एक ही आइटम लिया, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती ले लो, अगर आपको सेल मिल रही है कम पैसा है तो कुछ भी ले लो, पता चला यूज़ नहीं हुआ तो वो तो आपके वैसे भी वेस्ट ही है, बेटर है कि आप फुल प्राइस में ले लो। लेकिन मैं जो है वो एक ही पीस लेकर आई जो मुझे पसंद आया, थे तो बहुत स्वेटर्स वगैरह बट अगर मुझे लगता है कि वो इतना वर्थ नहीं है तो फिर मैं नहीं लेती, बेशक वो गैप का हो या किसी का भी हो। अब मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं आएगी तो मैं ये जितने भी वुलन स्टफ है आज मैं सारा पैक कर रही हूँ और अपनी जो है वार्डरोब क्लीन कर रही हूँ, सो विंटर टू समर। चलो ये क्या है, कई बार क्या होता है ना कि आप लेते जाओ समझ में नहीं आता क्या क्या लिया। ओ माय गॉड, ये टॉप भी मैंने लिया था, ओ गॉड काफी कुछ भर गया है, तो मुझे आज जो है ये पूरा मैं क्लीन करती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मुझे, और क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि जो कपड़े आपके थोड़े थोड़े पहन चुके हो बेटर है कि उनको मैं प्रेफरेंस दूँ और उनको पहले पहनूँ ताकि वो फटाफट से 1 महीने के अंदर रिटायर हो जाएं, और जो यूज़ नहीं हो रहा है उनको मैं मेड वगैरह जो भी हैं हेल्पर्स वगैरह उनको बांट दूँ, तो बेटर है क्लीन करते रहो ताकि पता चलता रहे न्यू अपडेट क्या है, कितने टॉप्स हैं कितने नहीं हैं और किसको कितना देना है और कौन से पहले पहनने हैं। कई बार होता है कि आपका साइज जो है वो मेरा जो है वो चेंज होता रहता है, तो बेटर है कि मैं आज का जो मेरा अभी साइज जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं कपड़े निकाल लूँगी कुछ 15-20 और उसके बाद मैं उनको पहले पहनूंगी, उसके बाद फिर मैं नया स्टॉक निकालूंगी, सो दैट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर मी। तो लेगिंग्स एंड जैगिंग्स के लिए मैंने ये बास्केट या टब बनाया हुआ है जिसमें सारी जैगिंग एंड लेगिंग लगा दी है जिससे कि मेरा बहुत ईजी हो गया है। लेट मी टेल यू कि ये जो है ना ये वाला ऑर्गेनाइजेशन मेरा बेस्ट था,
क्योंकि मैंने इतनी तरीके से लेगिंग्स एंड जैगिंग्स रख ली, कभी हैंग करके, कभी एक के ऊपर एक रख के, हमेशा मैस हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इट्स बीन 2 months और 3 months एक भी कपड़ा मेरा इधर से उधर नहीं हुआ है। सो आई जस्ट लव दिस वे। अगर आप लोगों ने मेरा क्लोजेट टूर नहीं देखा तो प्लीज देखिए, ये आई बटन पे यहाँ लिंक है, वहां पे मैंने सब कुछ दिखाया कि मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ। ये वाली क्लोजेट नहीं, वो दूसरी वाली क्लोजेट थी पीछे वाली, जिसको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। लेगिंग्स मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी है, पहले वहां थी। बट आप देखिए और बताइए किस तरह का लगा आपको। और ये मैंने एक हैट ली थी मैक्स से, और पता नहीं मैंने क्यों ली थी ये, मैंने एक हैट ली थी और ये इतनी बड़ी है, लेकिन ये वुलन है। आई थॉट कि ये समर के लिए है, पता नहीं मैंने उस टाइम क्यों ली थी। मैं इजिप्ट जा रही थी तब मैंने ली थी, उस टाइम काम भी कर गई क्योंकि थोड़े सेमी विंटर्स थे, और ये मुझे समर के लिए चाहिए थी जिससे कि मेरा पूरा हेड जो है वो कवर हो जाए। और ये इसमें बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है मुझे इसको। करते समय मैं बहुत ज्यादा कपड़ों की, मतलब वो जो गोलियां आती है ना, वो जो किसकी होती है, वो कुनैन की गोलियां, वो सब मैं नहीं डालती, क्योंकि कई बार मैंने सुना है कि कपड़े खराब भी हो जाते हैं, उससे छेद हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट आपने उसमें डाला तो डायरेक्ट तो कभी ना डालें उसको। अगर आप किसी कपड़े वगैरह में बांध के या यू नो किसी बॉक्स में डाल के जिसमें छेद हो तब रखें, अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ। मेरा बहुत अच्छा चल रहा है सालों से, मेरे कोई कीड़े वगैरह कुछ नहीं लगे। बट अगर आपको फिर भी कुछ करना है तो एक टिप है, ये जो सोप होते हैं और जो ये जैसे पामोलिव है, जिसको आप नहाने वगैरह में ज्यादा यूज नहीं करें, हाथ धोने में यूज करें, या कुछ भी जो आप ज्यादा यूज नहीं कर रहे, अगर आपका थोड़ा सस्ता वाला आप सोप लें, इसको खोलें, या आप इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें छेद कर दें, थोड़ा सा इसे फाड़ दें बस, और इसको आप रख दें कपड़ों के साथ, इससे कीड़े नहीं लगते बिल्कुल भी। ये मेरी शादी को बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत टाइम से, मतलब कुछ 10-12-15 साल से, मतलब मैं इसे यूज कर रही हूँ, एंड इट इज ऑसम। कुछ भी नहीं होगा आपके कपड़ों को, तो आप ये वाला जो है तरीका यूज कर सकते हैं। घर में होते ही सोप, अलग से आपको कुछ भी परचेज करने के लिए नहीं जाना। जैसे मैं क्या करूंगी, मैं ये पूरा आप निकालूंगी नहीं, जस्ट मैं इसको ओपन करूंगी थोड़ा सा, तो ये जो इसकी स्मेल है, इससे कपड़े सेफ रहेगा और कीड़े नहीं लगेंगे। तो इसको मैं कहाँ रखूंगी, जो ऊपर का जो पाउच होता है सूटकेस का, इसमें मैं इसको डाल दूंगी। दैट्स इट। इससे आपके कपड़े बिल्कुल सेफ रहेंगे। हर कपड़े पे आपको रगड़ रगड़ के साबुन नहीं लगाना, कपड़ों के बीच रखने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट एक जिप में मैंने, आप देख सकते हैं कि इस ये जो जिप होती है, इसमें मैंने इस साबुन को डाल दिया है यहाँ पर। दैट्स इट। इससे मेरे सारे कपड़े जो है वो सेफ रहेंगे। अब इसको मैं जो है अपने हस्बैंड से अलमारी के ऊपर रखवा दूंगी, मेरे पास यही जगह है यहाँ पर, और उसके बाद सॉर्ट। अब अलमारी को भी देख लेते हैं। डन विद माई क्लोजेट, और आप देख सकते हैं कि काफी हद तक ऑर्गेनाइज हो गई है, ऊपर से लेके नीचे तक। स्पेशली मुझे जो नीचे वाला पोर्शन है वो करना था, क्योंकि वो काफी खराब हो रहा था। ऊपर हैंगर्स पे जो कपड़े हैं वो ठीक है, मतलब इतना ज्यादा कुछ नहीं है उसमें करने के लिए, बट मुझे नीचे का काफी सॉर्ट आउट करना था। सारे वुलन्स हट गए हैं और सारा जो है वो समर का मैंने लगा दिया है, टब जो है वो मैंने नीचे रख दिया है। तो नीचे बेसिकली मैंने वो रखा है जो मुझे डेली पहनना है, तो जैसे कि मुझे एक ही अलमारी में एक ही जगह जो है वो नीचे डेली का मिल जाए, मुझे पूरी अलमारी देखने की जरूरत ना पड़े। सो इस तरह से मैंने हल्का फुल्का जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लिया है। विंटर चले गए हैं और सारे वुलन्स ऊपर रख दिए हैं। अभी सूटकेस जो है एक और डलेगा, ऊपर रखने वाली हूँ मैं, मेरी हाइट इतनी नहीं है कि मैं ऊपर रखूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा अभी का। और बस ये है आज का व्लॉग, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर डे, एंड बी हैप्पी ऑलवेज।